से तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। गिफ्ट लूसी, गिफ्ट, अरे गिफ्ट लूसी। दादा बेटे और अभी दादा का इधर एक्सरे होने वाला। गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे हो। तो आप लोगों को पता था गाइस कि पिछले तीन दिन पहले मैं मेरे दादा को हॉस्पिटल लेके गया था रिक्शा में। आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा। तो डॉक्टर लोगों से हम लोगों ने बात तो किया था, तो उन्होंने बोला था कि सोनोग्राफी कर लो 2 से 3 दिन बाद। तो अभी 2 से 3 दिन हो चुके, तो अभी सोनोग्राफी करने का टाइम आ गया है। तो अभी हम लोग सोनोग्राफी करने वाले। ये देखो ये क्या कर रही है इधर। ए क्या कर रही है तू? और इसको ये नाना की टोपी बहुत पसंद आई, मेरे को समझ रहा नहीं क्यों। ये देखो टोपी देती नहीं है, छुपा के रखती है और जब भी मन हो गया तभी निकाल के लाती है। पागल लड़की। ए कामिया कामिया देवा मारो दे। सो गाइस अभी हम लोग हॉस्पिटल को निकलने वाले। कितने टाइम है बबी लौकर जाऊं आनंद छप मिलने होंगे। और एक बात, आनंद की मॉम, आनंद को तो आप लोगों ने देखा होगा एकदम पहले, उसको ज्यादा दिखाया नहीं मैं ब्लॉग में। तो उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी मॉम आज बिजनेस पे भी नहीं गए। तो मम्मी ने बोला कि वो एक पानी गर्म करने वाला एक मशीन है वो दे दो करके उनको। तो अभी मेरी बहन जाएगी देने। तो बबी रिक्शा आंतीस न जाऊन। हाँ रिक्शा आंतीस न जाऊन। तू ये का बार हाँ ठीक है तू जाऊ। सो ये नहीं आ रही है, वैसा भी कुछ काम नहीं था पिछली बार उसका ब्लॉग में। कैंटीन में गई थी तो मैं अकेला जाता कैंटीन लास्ट। तू यू नो ठीक है, कैंटीन में मैं अकेला ही खाऊंगा गाइस। वो नहीं आएगी तो ये देखो अभी बाबा जस्ट ना क्या है इसको देखो। गिफ्ट लूसी, गिफ्ट लीव मां दोनों मुंह दे लीव। अरे ये टोपी, ये देखो ये दादा की टोपी, इसको क्यों पसंद आ रही है भाई। बबी शॉर्ट बोलती ला उठवा बाबा मार छड़ी ना मार छड़ी के लूसी छड़ी नो कम कम रन रन रन। ये देखो वापस से टोपी लेके आए भाई। सो कोई ना गाइस अभी मेरी बहन रिक्शा लेके आ रही है, तो मैं दादा और मैं जाता हूँ हॉस्पिटल को लेके। मेरी बहन तो नहीं आ रही है और आज सोनोग्राफी करने, सोनोग्राफी करके लेते। और एक बात, बुधरादिनी में एक सीन है, मुझे पता चला हॉस्पिटल में मैं इतने साल से घूम रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का, पर बुधरानी का नहीं था। बट बुधरानी का एक सीन है, अगर तुम्हारा एज 50 अवा हुए मतलब 60 70 80 तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है काफ़ी अच्छा। और बुधरानी में ऊपर से सब डिस्काउंट ही रहता है और ये लोग के लिए मेडिसिन भी डिस्काउंट में मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है। तो बुधरानी में ही जा रहा हूँ मैं, जिधर डिस्काउंट मिलता है उधर जाना चाहिए आदमी को। लेट्स गो। एक बात, हॉस्पिटल जाने से पहले दादी के मेडिसिन देने, तो दादी के मेडिसिन दे देता हूँ। जैसे मैं दादा को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा बोला दादी लगी ग्लास का पानी लेके आ गई, मेडिसिन देने का टाइम आ गया। गेम आ गोली लोकर लोकर गोली देता हूँ। और ये देखो ये लड़की टोपी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है गाइस, टोपी लेने का भाग जाती है भाई। ये देखो लाइव दिखाता हूँ तुमको। ये देखो गिफ्ट टोपी, गिफ्ट टोपी, गिफ्ट माय टोपी, गिव माय टोपी। ये देखो ये देखो बेडरूम पे। ए वांटेड गिफ्ट। अरे गिफ्ट लूसी, जान दो भाई लूसी का भी हम लोग एक काम करेंगे गाइस, लूसी का भी बंद कर देंगे रूम में। बाय बाय सी लूसी बंद रूम में। हाँ चलो दादी को मेडिसिन दे देते फटाफट और हॉस्पिटल को निकलते हम लोग। ये देखो गाइस दरवाजा खोल के आएगी। अरे हरामी लड़की दरवाजा खोल लेता मैं। नो लूसी। अरे सो गाइस मुझे लगता है मेरी बहन तो आने वाली है जल्दी, तो मुझे खुद को जाना पड़ेगा रिक्शा लाने। तो मैं अभी मैं रिक्शा लेके आता हूँ और लेके चलता दादाजी को। एक काम बोलो तो एक काम होता नहीं है मेरे बहन से बराबर, एक काम क्या बोलने का। चलते हम लोग। हॉस्पिटल में अलग ही सीन है भाई। ये हॉस्पिटल में पेमेंट करने के लिए आप लोगों को फाइनेंस के सेक्शन में जाना पड़ता है और पेमेंट करना पड़ता है। डबल डबल
लफड़ा भाई। सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना था, ये हॉस्पिटल में तुम लोग, ये हॉस्पिटल में मतलब यहाँ पे ना रेंज भी नहीं रहता है बिल्कुल, मोबाइल का रेंज बिल्कुल रहता नहीं है। और तुम लोग यहाँ पे आ गए ना बुधरानी में, तो कैश लेके आओ, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन के लिए एक सीन है, यहाँ पे तुम बिलिंग डिपार्टमेंट में जाओगे तो ऑनलाइन में ना तुमको उधर जाना पड़ेगा, और वहाँ से वो लोग क्या करेंगे, बिलिंग डिपार्टमेंट में से बेसमेंट में भेजेंगे, और बेसमेंट में भेजने के बाद वहाँ पे तुमको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मोबाइल का रेंज बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पे जाके तुमको वापस से ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, और ग्राउंड फ्लोर पे आके बाहर जाके हॉस्पिटल के पेमेंट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे वापस से बेसमेंट में जाना पड़ेगा, और बेसमेंट में जाके रिसिप्ट लेके आना पड़ेगा। फिर बेसमेंट से वापस ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, और ग्राउंड फ्लोर पे आके मेन बिलिंग डिपार्टमेंट में जाके रिसिप्ट देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो लोग सोनोग्राफी के लिए रिसिप्ट देते हैं। मतलब इतना इतना झंझट हॉस्पिटल में रेंज नहीं है, इसके कारण तुमको इतना घूमना पड़ेगा। तो तुम सोचो मैंने कितना राउंड लगाया होगा अभी। हमने दादा को सोनोग्राफी में ले लिया है 2 घंटे बाद, तो अभी आधे 1 घंटे में रिपोर्ट वगैरह लेके घर पे जाऊँगा मैं, और कॉलेज को भी जाना है भाई 3 बजे। सो काफ़ी टफ रहने वाला है, बट कोई ना, हॉस्पिटल भी इम्पोर्टेंट है। सो गाइस मुझे नहीं लगता मैं कॉलेज जाऊँगा, तो वापस बेसमेंट जा रहा हूँ, बेसमेंट का काम है वापस। सो गाइस अभी ना डॉक्टर ने दादा को एक्सरे भी करने बोला है, डबल काम है भाई, डबल काम क्या बोलने। गाइस थोड़े बातें मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, थोड़ा इधर उधर भाग रहा हूँ मैं फिलहाल, तो जैसे उतना हो जाता है वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्टेट दादा बैठे हैं, और अभी दादा का इधर एक्सरे होने वाला है, और मैं यहाँ पे रुका हूँ अभी, और एक 10-15 मिनट यहाँ पे रुकना पड़ेगा, फिर दादा का एक्सरे हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरे को वापस से रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा शायद डॉक्टर को। तो गाइस फाइनली मैं हॉस्पिटल से बाहर आ चुका हूँ, तो अभी फटाफट रिक्शा पकड़ता हूँ और घर पे जाने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। स्टे ट्यून। सो गाइस फाइनली मैं हॉस्पिटल से घर पे आ चुका हूँ, मैं और दादा देखो इधर सोए, तो उनका भी एक्सरे तभी हो गया, तो अभी मैं घर पे आ गया। तो हॉस्पिटल में इधर उधर मैं घुमा, वो बात तो अलग है। अभी सबसे मेन बात पे आते हैं, तो जब डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट देखा एक्सरे और सोनोग्राफी का, एक्सरे की रिपोर्ट में पता चला कि बॉडी में स्टोन है छोटा एकदम, जिसको निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे मेन बात आता है सोनोग्राफी का, सोनोग्राफी में सीन ये है, यूरिन जब नॉर्मल जब हम लोग यूरिन करते हैं, तो 130% यूरिन जब रहता है ब्लैडर में, वो पूरा 130% यूरिन बाहर निकलना चाहिए जब यूरिन करते हैं। तो नॉर्मली बाबा का क्या हो रहा है, 65% यूरिन निकल रहा है, और बचा हुआ 53% बॉडी में ही रह रहा है। तो उसके वजह से तो उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट अभी 7 दिन का मेडिसिन दिया है, रोज़ रात को एक मेडिसिन खाना है बाबा को। तो वो मेडिसिन खा के अगर नॉर्मली जितना 130% है, 135% यूरिन है बॉडी में, अगर उतना पूरा यूरिन करते वक्त सब यूरिन निकल रहा है बाहर, तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। मेडिसिन पे ये लोग चालू रखेंगे, फिर वो सेम मेडिसिन फिर चालू रहेगा लाइफ टाइम। तो आई होप मेडिसिन से ही काम हो जाए, अगर यूरिन पूरा बॉडी में से निकल रहा नहीं है तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, डॉक्टर ने बोला। तो अभी 7 दिन बाद वापस से हॉस्पिटल जाना है। सो अभी आया हूँ मैं घर पे, और आज कॉलेज में ट्रेडिशनल डे, 4:30 बजे प्रोग्राम चालू होने वाला, मैं तो जाने वाला, ज़िंदगी की वाट लग गई हॉस्पिटल के चक्कर में। तो मैं नहाऊँगा मस्त और सो जाऊँगा गाइस, और आप लोगों को सोने के बाद मिलता हूँ। और एक बात, मैं मेरे बहन को स्विमिंग को भी नहीं लेके जाऊँगा आज, बात ख़त्म। गाइस फाइनली मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेट हो चुका है, बट कोई ना, अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, रेडी वेडी हो चुका हूँ। पैसे दे प्लीज मम्मी, पैसे दे प्लीज मम्मी, पैसे दे रही है। तो जा रहा हूँ मैं कॉलेज, आप लोगों को बोला मैं नहीं जाऊँगा, गुस्से में बोल देता हूँ मैं, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है ना, दिमाग गर्म हो जाता है। दुनिया भर का तुम घूमते हो हॉस्पिटल में, और घर पे आने के बाद मेरा दिमाग तो बहुत गर्म रहता है हमेशा। सो भाई रेडी हो चुका, ट्रेडिशनल डे, बट मेरे पास ट्रेडिशन कुछ नहीं, मेरा आउटफिट ये देखो ये पहना हूँ मैं। तो चलते हुए ऐसे, और लेट्स सी कॉलेज में क्या चल रहा है। बस बोल के सब लोग आए ना बाहर, क्या नाम डाला बालाजी, और मैं किसका नाम डाला, इतना गंदा दिन है रे, कबीर का नाम डाले, इंजीनियरिंग है ये।
इसको बोल, इसको बोल नाचने मत, बर्थडे का पार्टी देने बोले इसको, बाद में नाचो क्या अभी आया कौन? नहीं नहीं पहले बोला था क्या मैंने आने वाला करके ऑलिन, पहले बोला था मैं फ्राइडे बराबर कह दे later मजा आया करे इसको मजा आया तेरे को मजा तेरे को भी मजा तेरे को बहुत मजा आया नाचा मैं खट्टे तक जोड़े तू ये तो करे ए भाई ये तो बहुत दिन बाद आया कैसे मजा आया करे तेरे को अरे भाई गाने का बोल रहे है गाना कैसा बज रहा है रे हां नाचने का गाना कैसा बज रहा था बोल भाई गाना एकदम ऐसा वन आउट ऑफ भाई गाना एक नंबर का फालतू बाजा रहा था वो जय श्री राम पे आया मेरे को नाचने को मजा उतना नाचने के बाद पसीना उसके बाद रुक गया भाई ये सबसे ऑनलाइन स्टैम कुछ ऐसा था मेरा है तेरा बता भाई ए भाई कबीर काय के लाया था मेरे को मालूम ना कबीर काय के लाया था चले जाने का भी खाने चल ए खाई ला जाए बड़ा चाइना पॉइंट ला चल चले चल हाँ किधर जाने का मैं वेज खाने वाला भाई नॉन वेज तो नहीं खाने वाला मैं नॉन वेज नहीं कर रहा हाँ क्या खाएंगा मैं क्या खाएंगे वेज में और दो दिन नहीं खाने का मेरे को शर्म मत रे पूछा मैं संडे के बाद बोल भाई वेज खाने वाला मैं तू क्या खाने वाला बोल आप सब खाएंगे सोचिस गंदी है बच्चे लोग की पोहा खाना माजा पोहा क्या ए चले जाएंगे किधर जाने का बोल जल्दी बोल कुछ भी चलेगा मेरे को पर मैं वेज बिरयानी नहीं खाएंगा भाई वेज बिरयानी खा के वही तक गलम है एक हफ्ते से खा रहा है कुछ मानेगा वेज बिरयानी चले भाई जाएंगे किधर भी जाएंगे चल जल्दी